अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद ब्रोही और असद ब्रोही व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूअर, आज एक बार फिर मैं एबीएस मोटर्स पे अकबर भाई के पास मौजूद हूं और आज मैं इंफॉर्मेशन लेने आया हूं कावासाकी निंजा H2 के बारे में कि ये बाइक क्या है और दुनिया की तेज तरीन बाइक क्यों इसको कहा जाता है और इसके फीचर्स जानूँगा। तो अकबर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? ज़बरदस्त, ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक जी। अकबर भाई, आज आपके पास माशाल्लाह ये बाइक आई हुई है H2 और इसे दुनिया की तेज तरीन बाइक कहा जाता है, तो इसके फीचर्स क्या हैं और इसको किस वजह से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? सर, इसके फीचर्स, ये वैसे जो बाइक है कावासाकी H2 दुनिया की फास्टेस्ट बाइकों में से एक है। इससे ऊपर अभी तक इतनी फास्ट कोई बाइक आई नहीं है। H2 आ रही है, वो रोड लीगल नहीं है, और ये जो है ये रोड लीगल है, इसमें लाइट्स वगैरह होती है। कौन सी रोड लीगल नहीं है? H2R, वो रोड लीगल नहीं है। ठीक है, वो बनी स्पेशली ट्रैक के लिए। ठीक है, और ये जो बाइक है ये स्पेशली आप रोड पे भी इसको चला सकते हैं और अपना राइड वगैरह इजीली इसको कर सकते हैं आप। ये CC जो होती है 998 CC होती है और इसका जो फ्रेम है वो स्टील में आया इसका फ्रेम। वैसे अच्छा? हर बाइक का फ्रेम जो है वो आता है एलुमिनियम के अंदर, टाइटेनियम में, इसका स्टील फ्रेम आया, पाइप फ्रेम। अच्छा, तो ये स्पेशली ये ऐसी डिज़ाइन हुई है ये बाइक, क्या हम इसके कलर को भी जज नहीं कर सकते, ये कलर क्या चीज़ है। अच्छा, जैपनीज टेक्नोलॉजी ने ऐसा कलर दिया है इस बाइक के अंदर कि आज तक ऐसा कलर आया नहीं किसी बाइक में। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि ये इसकी जो है कि स्पीड लिमिट कितनी होती है? सर, इसकी स्पीड लिमिट तो समझ लें आप, ये जाती है कम से कम 400 के करीब करीब जाती है। वाह, ज़बरदस्त व्यूअर, 400 टॉप स्पीड इसकी 400, मतलब आप इसको कैसे राइड करेंगे बहुत मुश्किल है। ज़बरदस्त व्यूअर, 400 एक अच्छी खासी स्पीड होती है, तभी इसको तेज तरीन बाइक कहा जाता है। लेकिन एक और बाइक आती है जो आपने बताई अभी H2R, तो वो भी तो दुनिया की तेज तरीन बाइक है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें फ़र्क, एक तो वो रोड लीगल नहीं है और उसका BHP ज़्यादा है इससे। उसका BHP है 310, इसका BHP उससे थोड़ा सा कम है। अच्छा, 238 इसका BHP है। अच्छा, BHP की वजह से वो रोड लीगल नहीं है या किसी और वजह से वो रोड लीगल नहीं है? वो BHP की वजह से भी उसका पावर ज़्यादा है। अच्छा, उसके अंदर लाइट नहीं होती। ठीक है, उसमें स्लिक टायर होते हैं स्पेशली ट्रैक पे चलाने के लिए। अच्छा, और वो रोड लीगल नहीं, ये स्पेशली रोड लीगल है। इसमें इंडिकेटर भी हैं, इसमें लाइट्स भी है, और इसके जो स्पेशली ब्रेक्स होते हैं, एक तो ABS ब्रेक आता है, ये ABS ब्रेक की स्पेशल क्वालिटीज के अंदर है ABS ब्रेक की। और ये इसका इंजन पावर जो है वो अपना सुपर चार्ज की वजह से, टर्बो भी है इसके अंदर, उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ है बाइक। अच्छा, सुपर चार्ज का क्या मकसद है? सुपर चार्ज पावर देता है बाइक को। अब जैसे आपकी बाइक बिल्फर्स, ये 1000 CC है, 998 CC, 1000 CC हो गई ना, अब उसके अंदर उन्होंने टर्बो लगा दिया सुपर चार्ज। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही थी, आपसे थोड़ी मुझे मालूमात मिलेगी। जैसे कि मज़ीद दूसरी बाइक्स होती हैं, सुजुकी की ले लें या कोई और बाइक, होंडा की भी आती है मेरे ख्याल से, वो 1300 CC होती हैं समथिंग, इससे ज़्यादा उसका जो है ना कि हॉर्स पावर होते हैं, इंजन का जो साइज़ है इससे ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर यही बाइक क्यों दुनिया की फास्ट तरीन कही जाती है, वो क्यों नहीं कही जाती? असल में ये बिल्कुल डिज़ाइन इसका चेंज है। अच्छा, ये बिल्कुल इसका डिज़ाइन चेंज है, इसकी इंजन का जो मॉडिफिकेशन है वो बिल्कुल अलग है, इसका BHP अलग है, और इस बाइक को स्पेशली फाइटर जेट प्लेन, बुगाडी वेरॉन, मर्सिया लागो, लैम्बर्गिनी, इनके साथ इसकी रेस जो है इन्होंने चेक करी है, इसने सारी गाड़ियों को बीट किया है। ज़बरदस्त, फास्टेस्ट ये कारें हैं जो जिनको कोई बीट नहीं कर सकता, इस बाइक ने उसको बीट किया। तो और मज़ीद इसका जो इसमें अपना इसके जो शॉक वगैरह हैं वो एडजस्टेबल हैं? जी जी, इसके शॉक जो होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, मोनो शॉक भी एडजस्ट होता है, इसका फ्रंट शॉक्स है वो भी एडजस्ट होते हैं, और इसकी लाइट भी बिल्कुल सब बाइकों से बिल्कुल मुख्तलिफ लाइट है, और सारी बाइकों से इसका कलर बहुत मुख्तलिफ है, इसका शेप बहुत यूनिक शेप है। अच्छा, इसमें खास कलर पसंद करने किया ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कलर इसमें कौन सा है? ये ही कलर है इसका, ब्लैक एंड ग्रीन जो कलर आता है ना, क्रोम। अच्छा, टाइप का यही कलर आता वैसे है। वैसे मज़ीद और कलर भी आते हैं इसमें?
इसमें बस यही आते हैं ज़्यादा, ब्लैक और ये ग्रीन टाइप के बस यही आया है। और इसमें जो एग्जॉस्ट वगैरह है, एग्जॉस्ट जिसमें जो कंपनी का फिटेड आता है वो इसमें वही स्टॉक लगा हुआ है। अच्छा जी, तो मजीद मतलब ये यही वाला कंपनी वाला जो है लगा रहने देना चाहिए, या मजीद जो है ना कि दूसरे अपने पसंद के मुताबिक कोई भी इंसान लगवा सकता है? साउंड किसका अच्छा होता है? जी साउंड तो ये स्टॉक होता है साइलेंसर, इसमें बहुत से लोग इसी पे चलाते हैं, और जो बहुत से लोग साउंड पसंद करते हैं जिनको आवाज़ चाहिए होती है बाइक में, तो वो इसमें ज़्यादातर जो एग्जॉस्ट आते हैं वो आते हैं ऑस्टन रेसिंग के। ऑस्टन रेसिंग कुछ शॉर्ट एग्जॉस्ट होता है वो डलता है इसके अंदर, उससे फिर इसकी आवाज़ बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, मुझे आप इसका जो अपना एग्जॉस्ट है उसका साउंड सुनवा सकते हैं? बिल्कुल सुनवा सकते हैं। तो यूएस इसका साउंड सुनेंगे और उसके बाद आप एडजस्टेबल दूसरे एग्जॉस्ट भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी इस पे लगा सकते हैं। मज़ीद आप मुझे इसके बारे में कोई ख़ास बात बताएं जो दूसरी बाइक्स में नहीं है? ये सारी ख़ास बातें हैं। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल जो दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट ये है। अच्छा, इसकी ABS ब्रेक आपने मुझे ABS बताया। ब्रेक स्पेशल ABS ब्रेक है, हर बाइक में नहीं आती ये ब्रेक। अच्छा, जो ये ABS ब्रेक होती है जी, इसका लिंक पिछली ब्रेक से होता है या फ्रंट या दोनों ब्रेक? दोनों ब्रेक ABS होती हैं, फ्रंट ब्रेक भी ABS होता है और बैक ब्रेक ऑटो एडजस्टेबल होती है। और इसके अलावा इसके साथ है पार्ट्स क्या है और इसके जो सेफ्टी का सामान है वो अलग से परचेस करना होता है या इसके साथ ही जो है ना कि सेफ्टी की पर्पज़ का जैसे हेलमेट है, इसकी जैकेट है, शूज़ हैं, तो वो तो अलग से आपको परचेस करना पड़ता है। और ये जो बाइक हमारे पास आई है स्पेशली, इसके साथ एक अलग से उन्होंने बॉक्स भेजा है बाहर से, उसके अंदर इसकी बुकलेट है, मैनुअल बुक जो आती है, इसके साथ एक टी शर्ट आई है, इसकी गाइड बुक है, और इसका टॉप कवर है अपना H2 का ओरिजिनल, और इसकी USB पोर्ट वो इसके साथ आई है। USB में क्या होता है? वो इसका फीचर्स वगैरह चेक करने के लिए ना। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इसकी किट चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करेंगे, तो इसकी किट हमें दिखाएं। बिल्कुल दिखाते हैं। बोल्ट्स भी हैं और ये इसकी मैनुअल भी है, डायग्राम जिसको कहते हैं हम। ठीक है जी, अच्छा ये इसकी जो है ऑनर मैनुअल, ये अभी कंप्लीट ना। अच्छा ये H2 का इसका पाउच बैग भी है इसके साथ, और इसके साथ इसकी की। ठीक है, दो चाबी हैं इस बाइक की, ये स्पेयर चाबी है, ये स्पेयर है। अच्छा हम फिर दिखाते हैं ये निंजा का इसका, डियर निंजा H2 ऑनर। ठीक है जी। और ये इसकी बुलेट बिहाइंड, ये इसकी वो मैगजीन। ठीक है, अच्छा इसके साथ इसकी ये क्या है? USB है, कीचेन है। अच्छा ये USB किस चीज़ के लिए होती है? ये इसके अपना फीचर्स वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो व्यूअर्स ये थी इस बाइक की किट जो इसके साथ आई है, और मुझे ये बताएं कि ये स्पेशली ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को क्या कहा जाता है जिस स्टैंड पे आपने इसको जो है ना कि पार्क किया हुआ है? ये जो है ये असल में बेसिकली आती है बाहर से पायलट पे। अच्छा, इसको पायलट कहा जाता है? ये पायलट कहा जाता है। ठीक, तो फिर ये जैसे आती है अपने ट्रक वगैरह में, फिर हम इसको उतार के प्रॉपर फिर इसको हम बांध के खड़ी करते हैं। जो बहुत से हमारे कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि यार अगर चीज़ फ्रेश आई है तो आप उसको चलाएं नहीं, तो हमारे को ऐसे ही पायलट पे चाहिए पैक करके। अच्छा, ये इसका फ़ायदा होता है, और इससे आपकी बाइक भी अगर यहाँ खड़ी है तो सेफ्टी में, कोई छेड़ता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, कोई हाँ। बैठेगा निशान पड़ेंगे, ख़राब होगी चीज़ नहीं जी, बिल्कुल क्योंकि न्यू है बिल्कुल। तो बिल्कुल व्यूअर्स है ये बिल्कुल समझ लें कि हम इसको बॉक्स पैक कह सकते हैं, बॉक्स पैक कह सकते हैं बिल्कुल। मैं आपसे लूँगा इजाज़त, और आप अपना यहाँ का एड्रेस बता दें अगर कोई भी व्यूअर कोई भी सब्सक्राइबर आपके पास विजिट करना चाहे, बाइक देखना चाहे, परचेस करना चाहे, ताकि आसानी से आ जाए आपके पास, तो एड्रेस बता। हमारा ये 24 कमर्शियल है,
24 डिफेंस फेज़ टू, और हमारा जो ये 24 कमर्शियल है ना, इस पर मशहूर है मास्टर जूस, इसी की लाइन में कोने पे हमारा शोरूम है। और हमारा ये शोरूम का जो एड्रेस है ये भी 24D प्लॉट है, 24 स्ट्रीट, 24D प्लॉट, डिफेंस कराची DHA। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफि।